बिजनौर जिलाधिकारी के रवैये को लेकर बिजनौर कलेक्ट्रेट में धरने पर भाकियू टिकैत के कार्यकर्ता बैठे। जिलाधिकारी के खिलाफ किसानों ने जमकर नारेबाजी की। दरअसल जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में भाकियू कार्यकर्ता डीएम से मिलने गए थे। जिला अध्यक्ष ने जिलाधिकारी पर किसानों को गिरफ्तार कराने की धमकी देने व पकड़कर बैठवाने का आरोप लगाया है। जिलाधिकारी के व्यवहार से खफा किसान कलेक्ट्रेट परिसर में धरने पर बैठ गए। उप जिलाधिकारी सदर ने किसानों को काफी समझाने का प्रयास किया, लेकिन किसान अपनी जिद पर अड़े रहे। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। मेरा नाम चौधरी सत्यजीत पर बैठे हैं, क्या मामला? मामला किसानों का है। किसान अंदर जा रहे थे तो उन्हें मतलब डीएम साहब को जो है कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा है कि भाई ज्यादा लोग केबिन के अंदर ना आए, और भाई केबिन के अंदर नहीं आएंगे बदतमीजी अनबदतमीजी कर रहे हो तुम लोग, हमने कोई बदतमीजी का कोई वो नहीं, हमें पकड़ के अरेस्टिंग कराई जाए। ठीक है भाई, अरेस्ट करो इस जिलाध्यक्ष, चलो अरेस्ट करा लो भाई। अच्छा, आज आप लोग धरने बैठे हैं, क्या कब तक बैठ रहे हैं? बस जब तक, अभी तो शुरुआत है, अभी देखते हैं जब तक इसका अहंकार चूर चूर नहीं होने का जब तक तो बैठे हैं। अनिश्चितकालीन है, जब तक चूर चूर नहीं होने का अहंकार चूर चूर नहीं होने का जब तक बैठे हैं। क्या चाहते हैं आप? बस मेन तो यही है हमारा, ये जो बर्ताव है, जब जिलाध्यक्ष के साथ ऐसा बर्ताव होगा तो आम किसान के साथ कैसा बर्ताव करते होंगे। इन्होंने मतलब बेटे के नाम का वकील साहब वकीलों को भी अरेस्ट कराने का काम करा इन्होंने, अपने अब हमें भी अरेस्ट कराने का काम कर रहे हैं। भाई तो करा लो अरेस्ट, हम तो बैठे हैं, आतंकवादी तो हम है नहीं, बिल्कुल केबिन के ठीक सामने बैठे हैं, अरेस्ट करा लो। अरेस्टिंग के लिए बैठे चारों तरफ बैठ, भाई अपनी जो पुलिस है वो भेज दो, हम यहाँ बैठे रहेंगे जब तक।